अस्सलाम वालेकुम। चलो मैं आज ब्लॉग मस्जिद नबवी की मगरिब की नमाज के लोग छुटे हैं तो वहीं से शुरू करना चाहती थी। और ये है हमारे हुजूर की जो मीनारे हैं, बस वो मीनारे मैं गुम्बद भी आज आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं नहीं जा रही हूँ होटल, तो अब यहीं पे हम मस्जिद नबवी में पूरे चारों तरफ घूमने वाले हैं इशा तलब। तो मेरा दिल चाहता था कि आज मैं मेरा जो ब्लॉग है इसी तरीके से स्टार्ट करूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चे भी यहाँ नमाज पढ़ के मैं भी नमाज पढ़ के फ्री हुए, और हम चाह रहे थे कि मस्जिद नबवी के चारों तरफ घूमें, क्योंकि जैसे आपको सबको पता है कि बहुत बड़ी है मस्जिद नबवी, तो बस घूमते घूमते आप थक जाओगे लेकिन जहाँ ख़त्म नहीं होगा। तो चलिए इंशाल्लाह, अभी तो मैंने यहाँ पे ब्लॉग का स्टार्ट करी हूँ, और सबसे पहले अगर उस तरफ गई तो आपको गुम्बद के इंशाल्लाह ज़ियारत कराऊँगी, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ये हमारे रोज़े रसूल का गुम्बद, और अभी तो तैयारी हो रही है इशा की, तो औरतों को नज़दीक जाना मना है, तो इसीलिए मैंने कोशिश की कि दूर से ही सही लेकिन आप लोगों को दिखाऊं। और माशाल्लाह मैं तो यहीं पे हूँ मस्जिद नबवी में, और अभी यहाँ पे सारी इशा की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि आप भी जानते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में पब्लिक रहती है, तो इसीलिए 2-3 घंटे पहले से सारी तैयारियाँ शुरू होती। तो माशाल्लाह ये हमारे रोज़े रसूल के गुम्बद है, जो आप भी जानते हैं कि हरे कलर की गुम्बद उन्हीं की रहती है, और माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। ये बस एक छोटी सी, फिर से कहना चाहूँगी, बस एक छोटी सी कोशिश है जो मैं कर रही हूँ कि आप तक ये चीज़ें पहुँचाऊँ। ऐसे तो आप बहुत जगह देख सकते हो लाइव, लेकिन मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मेरे चैनल्स के ज़रिए, अल्लाह पाक ने जो मुझे अता किया है, मैं इस चैनल्स के ज़रिए आप लोगों के पास ये चीज़ें पहुँचा सकूँ। ये माशाल्लाह बच्चों को थोड़ी भूख लगी है और इनका दिल है कुछ यहाँ पे जाकर खाने का, तो मैंने यहाँ पे पूछी लोगों से, तो बताया कि आप बिलाल मस्जिद के बाहर जाइए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खाने को मिलेगी। और आप भी जानते हो कि बच्चे रहते हैं, बड़े हो या छोटे हो, तो जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ शौक़ रखते हैं कि वहाँ की कोई स्पेशल चीज़ हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जो उनको दिल को अच्छी लगे खाने की, तो बस ले जा रही हूँ बच्चों को। और मम्मी के मुँह पे कितना नूर आ गया है ना, हाँ देखो ना, कोई मेकअप की जरूरत नहीं, बस सुरमा है, और सुरमे से अल्लाह पाक ने इतनी रौनक दी है चेहरे पे। मेरा जब भी ब्लॉग देखोगे तो मेरे हक में ये ज़रूर दुआ करना कि अल्लाह पाक ऐसे ही रूप में और ऐसे ही मुझे, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक अल्लाह पाक ऐसे ही रखे, बस ये दिल ही तमन्ना और दिल से मैं दुआ कर जा रही हूँ। आप भी मेरे हक में यही दुआ करना। ये हो सकता है कि दुनियादारी में जाकर, क्योंकि अभी मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत है, अभी मेरी जिम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं हुई, पर ये जो रूप है ना, ये मेरी दिली तमन्ना है, और इसीलिए अल्लाह पाक बार बार मुझे अपने दर पर बुलाते हैं और इस तरीके के रूप में मुझे पेश भी करते हैं, और मैं खुद को भी, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इस तरीके से रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है माशाल्लाह, चेहरे पे आप देख सकते हो नूर, देखो चेहरे पे माशाल्लाह, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पाक बस ऐसे ही मुझे बना के रखे और ऐसे ही मेरे बच्चों के साथ हमेशा अता करे खुशियाँ। और जो मेरी बहू है, जो भी जहाँ भी दुनिया में जो भी कोने में वो आए, तो बस हमारी फैमिली को मोहब्बत की डोरी में बांध कर रखे अल्लाह पाक, बस यही दुआ करती हूँ मैं, आमीन। ये देखिए ये है बिलाल मस्जिद, और यहाँ पे हम आए हैं, और यहीं से इसके पीछे सारी जो खाने की चीज़ें हैं, बहुत सारी शॉपिंग भी होती है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें पीछे साइड में वहाँ पे है, और इंशाल्लाह मैं अभी वहीं जा रही हूँ, लेकिन मैंने चाहा कि पहले आपको बिलाल मस्जिद दिखा दूँ। ये है बिलाल मस्जिद, और इंशाल्लाह ताला मैं फिर से दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक आपकी आँखों से ये सारी चीज़ें आपको दिखाए। ये देखो फिश की वैरायटी बहुत है, समझ नहीं आ रहा, भाई बता रहे मुझे कि ये इसका भाव अलग है, इसका भाव अलग है, इसका भाव अलग है, और ये तो आपको पता है कि मेरे चैनल्स पे हमेशा आपको प्राउन्स दिखते ही है, मैं अलग अलग तरीके के प्राउन्स बनाते रहती हूँ, तो इंशाल्लाह आज यहाँ का हम यहाँ के टेस्ट के हिसाब से फिश खाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे भी है बहुत सारी वैरायटी अलग अलग, क्यों डर रहे हो इतना भाई, ये जरा ओपन करो, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए। तो अभी पता नहीं कौन सी चूज करते हैं, और भाई को पता पूछते हैं, फिर बनाती हूँ तो फिर बताती हूँ आपको। देखो मम्मी के फैन मिल गए इधर फिश बनाने के लिए, तो मम्मी के फैन कहीं भी मम्मी को मिल ही जाते, इतना अच्छा लगता है, इतना प्यार करते, इतना अच्छा लगता है देख के, माशाल्लाह।
राइस के साथ मंदी समझ लीजिए, फिश मंदी। और एक स्पेशल डिश आ रही है भाई के फेवरेट, आ गई है, आ गई वो भी। ये देखिए, ये अली को मेरे आपको पता है ना, मैं बताते रहती हूँ कि इसको इंडियन खाने बहुत पसंद है। सीख कबाब है ये, पर ये सीख कबाब ऊँट के गोश्त का है, ये ऊँट का गोश्त, कैमल जो होता है ना, कैमल, ये कैमल का मटन है। तो माशाल्लाह आज समझ लीजिए कि हम डिनर यही है हमारा, अब होटल पे कुछ नहीं खाएंगे। और आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए, और बस क्या बोलूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बच्चों ने इतना दिल भर के खाए खाना। अली 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 को तो ऊँट का गोश्त ऐसा मज़ा आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह ना, अल्लाह का एहसान ना, बहुत ज़्यादा मेरा दिल खुश हुआ है कि मेरे बच्चों ने आज दिल भर के खाए सब। ये देखिए, ये नाम देख के कुछ याद आ रहा है आपको? चलो मैं आपको याद दिलाती हूँ, साइन देखिए ऊपर, ये अबू धाबी में जो मुझे कोलैबोरेशन के लिए बुलाए थे, ये उनका ही यहाँ ब्रांच है, यहाँ उनकी होटल है। और ये देख के बच्चे इतने खुश हो रहे कि देखो मम्मी आपको यही होटल वाले बुलाए थे, और जहाँ पे आपको पता था ना अवार्ड चल रहा था, और वहाँ पे माशाल्लाह मुझे कोलैबोरेशन के लिए भी बुलाया गया था, वो मेरी इज्जत थी। और अल्लाह के घर के सामने भी ये चीज़ है, तो मुझे देख के वो पल याद आ गए माशाल्लाह। और दिखाओ अली, अली दिखाओ क्या है हाथ में, ये मम्मी का पसंद मैंगो, देखो यहाँ पे मैंगो लिए मैंने, और अभी माशाल्लाह जाके हम खाएंगे। और उन्होंने कहा कि बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है, वो अरबी भाषा में बोल रहे मतलब स्वीट है ना, मस्त है माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो मैं सुबह जब नमाज के बाद यहाँ थी, आपके सामने छतरियाँ ओपन हो रही थी, और ईशा के बाद में यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, मैं तो यहाँ 10:30 बजे अभी रात के, तो यहाँ अभी बैठे हैं हम लोग, तो देखो अभी छतरियाँ बंद हो रही है। कितना प्यारा दिख रहा है ना माशाल्लाह सब कुछ। थोड़ा सा हम दूर बैठे क्योंकि हम लोग यहाँ रोज़ा रसूल के पास बैठे हैं, तो इसीलिए थोड़े दूर से आपको ये दिखा रही हूँ मैं, अगर थोड़ा नजदीक होते तो छतरियाँ आपको पूरी बंद होते हुए दिखती। वो देखो ना दिख रहा है इधर से बंद होते हुए, माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरीके से बंद हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा बंद हो गया, देखो पैक हो गई छतरियाँ, खुलने का भी मम्मी दिखाए, बंद होने का भी दिखा दिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, देखो पीछे मस्जिद नबी, अभी बस नमाज पढ़ के काफ़ी देर से बैठी हुई थी, एक बहन मिले पाकिस्तान वाले, और उनसे बहुत दिल की बातें की, और उन्होंने एक लफ्ज़ ऐसे बोल के मुझे बोसा दिया, मुझे गले लगे, तो बहुत ज़्यादा ही मेरे आँख से पानी निकलने लग गया। तो बहुत देर उन्होंने बैठे, मुझे बहुत सारी ऐसी तस्बीहां बताई जो मेरे दिल को सुकून दे, मेरी ज़िंदगी को सुकून दे, मेरे बच्चों को सुकून दे। और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत ऐसी बातें बताई जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने मेरा नंबर भी लिया, कहा कि मैं तुमसे रابطہ करूँगी, मतलब बातें करा करूँगी, वो पाकिस्तान के हैं, तो दिया मैंने, उनकी दो बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बातें उन्होंने मुझे समझाई, जो बातें मुझे बताई, मैं ज़िंदगी में वो बातों को अपने शामिल करूँगी, कोशिश करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा लगा, अल्लाह पाक बस ऐसे ही लोगों से मुझे हमेशा मिलाते रहे, ऐसे ही लोगों से मेरे दिल से रिश्ते जुड़ते रहे, और ऐसे ही लोगों के साथ अल्लाह पाक हमेशा मुझे ज़िंदगी जब तक रही तब तक इनके साथ जोड़ा बना के रखे। क्योंकि ऐसी जब औरतें हो या फिर ऐसी बोलने वाली जो बुज़ुर्ग औरतें हों, तो ये लोग बस हमें जो बोलते हैं, बस हमारे दिल को वो ठंडक मिलती है, और हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सीख मिलती है जिससे हमें ज़िंदगी अच्छी बसर करने की कुछ ना कुछ बातें हमारी ज़िंदगी में शामिल होती है। मेरा ये एहसास है क्योंकि न मेरी ज़िंदगी में कोई बुज़ुर्ग कहने के लिए, न मेरी माँ है, न मेरी सास है, ना कोई बड़े लोग हैं, फिर भी कोशिश करती हूँ ज़िंदगी में कि बस समेट के अपनी ज़िंदगी को रखूँ, और अपने काम में जो हूँ बस वो काम में हमेशा मशरूफ़ रहूँ। और ज़िंदगी में जब तक मेरे अल्लाह ने मुझे ये लिखा है, बस इसे अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी समझ के इसको निभाऊँ। अब अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि मेरे मौला अब मेरे बच्चों को इस लायक बना दे कि मैं थक गई हूँ, बस अब ये ज़िंदगी से मैं थक गई हूँ, बस मेरे अल्लाह के ख्याल में, अल्लाह की मोहब्बत में रहना चाहती हूँ, और मेरे अल्लाह के घर में यही दुआ कर कर जाती हूँ कि अल्लाह मेरी दुआ मेरे, मुझे पता है मेरे अल्लाह ये भी दुआ सुनेंगे, क्योंकि मेरे अल्लाह ने हर मेरे वो दिल की बात सुनी है जो मेरे दिल में है। बस आप भी जब सुनो तो आमीन ज़रूर बोलना। और आज माशाल्लाह मेरा बच्चा आमीन भी आया है नमाज के लिए, क्योंकि मैंने कल रात को उसको समझाई थी,
कि बेटा ये दर पता नहीं फिर कभी हमें नसीब हो या नहीं हो। हम बहुत नसीबदार है कि अल्लाह ने हमें अपने दर पे बुलाए है, अपने दर पे बिठाए है। तो हमें एक वक्त पे ऐसी नमाज नहीं छोड़नी चाहिए जो हम का जाके कभी हमें ऐसे दिल में एहसास हो कि हमने ये चीज़ क्यों नहीं की। तो बोला नहीं मम्मी आप ज़रूर उठाना। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भी जानते हो मैं क्या तारीफ़ करूँ। आज जो भी मैं खड़ी हूँ, जो भी जहाँ भी आज इतनी मजबूती से खड़ी हूँ, उस बस ये मेरे बच्चे हैं जो मुझे मजबूती से खड़ा करके रखे। नहीं तो दुनिया वाले तो गिराने पे और डुबाने पे और बदनाम करने पे तो इतनी हद तक आ चुके हैं कि पता नहीं उनको क्या खुशी मिलती है या क्या उनको खुशी महसूस होती है कि एक औरत के ऊपर इतने बोतान, इतने इल्ज़ाम और इतनी बदनाम करके उनको पता नहीं क्या खुशी मिलती है। मेरे समझ की बाहर है। अल्लाह पाक बस उनकी जो भी दिल की खुशी है अल्लाह उनको खुशी अता करे और उनको बस नेक नियत अता करे, नेक अमाल अता करे। मेरे दिल से तो यही दुआ है। और जो भी ज़िंदगी में भटका हुआ इंसान है अल्लाह पाक उनको सही राह पे आ जाए, सही राह पे आने की तौफीक अता करे मेरे मौला। बस मैं इनके घर पे इनके दर पे यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक ये दुआ कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। देखो आमीन बोल रहा है। मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, मैंने आपको बताया ना वो आपा छोड़ ही नहीं रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुझे अच्छा लगा उनसे बात करके और उनसे बोसा लेके। उन्होंने मुझे इतना इतना बोला है कि मैं जाने से पहले एक बार आपको मेरे हाथ का खाना खिलाना चाहती हूँ। मैंने बोला नहीं आपा, तो फिर भी ज़बरदस्ती मैंने उनको मना करने के बावजूद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझसे बोला है। मैंने बोला कोई बात नहीं, खाने से कुछ नहीं होता है, दिल की मोहब्बत से सब कुछ होता है। मैंने उनको नंबर दी क्योंकि मुझे इतनी अच्छी लगी उनकी बातें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में जब भी मौका मिले मैं भी उनसे बात करूँगी। और वो रहते हैं पाकिस्तान। और माशाल्लाह अमीन बोलता है कि आप, मुझे लगा आप चले गए। तो मैंने बोला नहीं मैं बैठी थी, वो आंटी से बात कर रही थी। तो चलिए फिर इंशाअल्लाह आप चलते होटल की तरफ क्योंकि आज हमारी बहुत सारी ज़ियारतें हैं और बहुत सारी जगह पे जाना है। तो देखते हैं अल्लाह पाक कहाँ कहाँ हमें कौन से दर पे ले जाते हैं। बस चिंटू पीनट कहाँ है? पीनट अमर लाओ, पीनट को बताओ। पीनो ओ पीनो थोड़ा फोन पीछे कर। ए पीनो मम्मा ओली 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 मेरा बच्चा देखा पीनो। ए पीनो हाँ वो ढूंढ रही है, आवाज ढूंढ रही है। पीनो अच्छे है ना बेटा बच्चे? गणपति आया तेरा? चलो हमारे लिए भी दुआ करना, तुम्हारे लिए भी मैंने यहाँ दुआ करी हूँ। और बच्चों को टाइम मिलेगा तो जरा नहला लेना ठीक है, और मोदक रखना मेरे लिए ठीक है? हाँ मैं आके खाऊंगी मोदक। हाँ चलो ओके, ध्यान रखना। और मैं ऐसे कभी तू रहा ना फोन लेके तो मेरे को फोन कर लिया कर, बच्चों को दिखा दिया कर। दिखा चिंटू पिंटू को दिखा, दिखा दिखा पीनू को, दिखा मेरे पीनू को। अरे मेरा बच्चा पानी चिंटू अमीन आवाज दे, तेरी बहन है ना वो चिंटू चिंटू ओ माँ देख पीनो पीनो लेके जा बेटा फोन लेके जा। अरे देखो अमीन अभी देख तो पीनो ओल्लो मेरा बच्चा ठीक है बेटा, अमर ध्यान रखना। हाँ हाँ चलो चलो ओके। कितना अच्छे से देख रही है ना खाके शेखोटा मैदान वादिये दुखान कहा जाता है। ये जो खाली प्लॉट आपको नजर आ रहा है ये वाला इसी को खाके शेखोटा वादिये दुखान कहा जाता है। आज हमारी ज़ियारतों में सबसे पहले आपको मैंने खजूर के बाग दिखाए, वो आप रसूलुल्लाह ताला के हाथों से लगे हुए गुठलियों के बाग थे वो। और उसके बाद ये मस्जिद कूबा जहाँ पे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे कि जो भी इंसान बावजू घर से आकर दो रकात नफिल नमाज अदा करे तो उनका एक उम्र मुकम्मल कम्प्लीट होता है, मतलब मुकम्मल होता है। और जब हमारे हुजूर ने ये बात फरमाई है तो वो स्टैंप लगी हुई बात है कि दो रकात नमाज अगर आप यहाँ अदा करते हो तो वो आपका एक उम्र का सवाब मुकम्मल होता है। ये मस्जिद कूबा है जहाँ औरतों की नमाज होती है अंदर, और दो रकात नमाज पढ़ने से आपकी नमाज एक पूरी उम्र का मुकम्मल होता है आपकी दो रकात नमाज से। और इंशाअल्लाह ताला मैंने तो दो रकात शुक्राना, दो रकात उम्र की नमाज और दो रकात मस्जिद की नमाज जो रहती है वो सारी मुकम्मल की हूँ। और इंशाअल्लाह अब यहाँ से निकलने की बारी है तो दिल से दुआ हर किसी के लिए करती हूँ, पर ये दुआ मैं ख़ास
एक बच्ची के लिए कर रही हूँ जो इमरान और सना है। आपको सबको भी पता है कि अब उन्होंने माफ़ी तलब की है मुझसे और मुझे अपनी बड़ी बहन का दर्जा मानते हैं वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ये रिश्ते में हमेशा बरकत अता करे, हमेशा मिठास अता करे। अब जब मैं उनकी बड़ी बहन हूँ तो उनके बच्चे मेरे बच्चे हैं, तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि वो बच्चों पे कोई आँच आए और वो बच्चों पे कोई बुरी नज़र पड़े। तो अल्लाह पाक से और मस्जिद कुबा में मैं ये बैठ के दुआ करती हूँ उन बच्चों के लिए, ख़ास करके कि अल्लाह पाक वो दोनों बच्चियों की ज़िंदगी बुलंद हो, दोनों बच्चियों के साए बुलंद हो, दोनों बच्चियों के ऊपर जो भी परेशानियों का दौर है अल्लाह पाक उसको टाल के उन्हें उन बच्चियों को महफूज रखे। और ये दुआ तुम्हारी बुआ की तरफ से, बेटा हमेशा खुश रहना, आबाद रहना और तुम्हारे सर पे हमेशा तुम्हारे माँ बाप का साया बने रहे और तुम्हारे माँ बाप में इतनी ताकत हो कि तुम्हारे ऊपर हमेशा वो एक ढाल बनकर हमेशा बरकरार रहे। बस तुम्हारे बुआ की तरफ से हो या फिर तुम्हारी बहन के तरफ से हो इमरान और सना, ये दुआ है। और मस्जिद कुबा में मैं ये दुआ कर रही हूँ अल्लाह पाक इसे कबूल करे, क्योंकि यहाँ पढ़ने की नमाज़ जब उमरा बनकर कबूल होती है तो इंशाअल्लाह ताला ये दुआ भी ज़रूर कबूल होगी और इंशाअल्लाह तुम्हारी दोनों बच्चियों पे कोई नहीं आ जाएगी। बस अल्लाह पे भरोसा रखना, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना। पहले किबले का रूप ये था, अपोजिट साइड जो अपन नमाज़ पढ़ते उसके अपोजिट साइड था, और अभी ये किबले का साइड है। जब हमारे नबी ने दुआ मांगे थे अल्लाह से तो ये किबले का साइड चेंज होके ये हो गया था। हुजूर के हाथों से लगे हुए खजूर है अजवा खजूर, और हम आए खजूरों के बाग में और यहाँ पे हर तरह के खजूर है जिसे आप देख सकते हो, हर तरह के खजूर है। अब मुझे तो इतना नाम नहीं मालूम है, पर ये है कि अजवा खजूर जो है कलमी खजूर है, ये तो इतने फेमस है कि ये पता रहता है। अब पता नहीं मैं कौन से खजूर लूँगी, पर अजवा खजूर में बहुत शिफा है तो इंशाअल्लाह ताला वो तो मैं 5 साल पहले लेकर गई थी, तब भी अभी तक मेरे घर में, और बहुत सुन्नत है रसूल अगर आप ये घर पे रखें। देखिए ये जो खजूर है इसमें कुदरती बीज नहीं है और इसके पेड़ रसूलुल्लाह ताला ने अपने हाथों से लगाए थे, तो इसमें बीजे नहीं है। और इसके पीछे बहुत बड़ी हदीस है इंशाअल्लाह ताला, कभी मैं अपने चैनल पे ज़रूर आपको पूरे इत्मीनान से सारी चीज़ें बताऊंगी। और इसके अंदर कुदरती बीज नहीं होती है, और माशाल्लाह ये अजवा खजूर का जो बीज का पाउडर होता है ये आप घर में रखने से ना आपके घर में जादू टोना होगा, और 40 दिन अगर आप नहार मुँह इसको खाते हैं तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, और अगर आप इसको घर में रखते हो तो आपके घर में कभी ना जादू होगा ना कोई बुरी भलाई आपके घर में आएगी। माशाल्लाह ये अजवा खजूर का बीज का पाउडर है, तो आप सोचिए कि अजवा खजूर में कितनी खैर बरकत है। और अजवा खजूर माशाल्लाह, ये अजवा खजूर है, ये अजवा खजूर। आप गुजरात से नहीं है, मैं मुंबई से। मुंबई से आप टिकटोकवादी हुई जी? जी, आपको मेरी वाइफ बहुत देखती है। जी जी जी, शुक्रिया। कहाँ से हो आप? राजस्थान जयपुर। अच्छा, आपने महीने में ग्रुप लेकर आता हूँ, ग्रुप लेकर आता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। 2 मिनट है, ये हम लोग अपना ले ले, फिर आप फोटो ले लो। ये अब हम जा रहे हैं बस में और हमने सबने अपने अपने पसंद के जूस लिए हैं, और आपको पता है ना अमीन भाई का, उन्होंने यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टॉल था जहाँ पे भजिए बन रहे थे, उन्होंने भजिए ले लिए। भाई अभी मैं चिल्लाई तो कहते नहीं मैं बॉम्बे आके डाइट करूँगा। चलो कोई बात नहीं। एक हमारी तरफ है जिसका पत्थर ऐसे चौरस है, जो हमारी तरफ है ना कब्र मुबारक काले पत्थरों वाली, उसका पत्थर ऐसे चौरस है, छोटा पत्थर है, वो हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला की कब्र मुबारक है। उनके हम उम्र थे, यानी कि उनके उनसे 3 महीने बड़े थे, और वो जंग में शहीद हो गए। मदीने के गवर्नर और मदीने के अमीर थे उस वक्त के। ये जो हमारी तरफ कब्र मुबारक है ये उनकी कब्र मुबारक है। ये जो ऊपर आपको कब्र मुबारक नजर आ रही जिसका पत्थर गोल है मस्जिद की जानब है, वो हजरत मस्सब बिन उमैर और हजरत अब्दुल्ला बिन जैश, हजरत मस्सब बिन उमैर और हजरत अब्दुल्ला बिन जैश दोनों एक ही कब्र में आराम फरमाए। इज्तमाई कब्र है, दोनों एक ही कब्र में दो सहाबा इकराम आराम फरमाए, बाकी बचे 67 सहाबा इकराम। हमारे इस जगह इस मुकाम पर हमारे 70 सहाबा इकराम शहीद हुए थे, बाकी बचे 67 सहाबा इकराम। ये जो आपको दीवार नजर आ रही वो सामने वाली भाई अंदर, इसके आगे देखें व्हाइट कलर की छोटी सी दीवार नजर आ रही, इसके पास खड्डा है, इसी खड्डे के अंदर हमारे 67 सहाबा इकराम इस्तबाई कब्र है, एक ही कब्र में 67 सहाबा इकराम आराम फरमाए।
एक ही कब्र में 67 सहाबा इकराम आराम फरमाए। और ये जो आपको पहाड़ी नजर आ रही है, इसको कहते हैं जबले रुमात। जबल कहते हैं पहाड़ को और रुमात कहते हैं तीर को। ये जगह इस मुकाम पर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा इकराम को तैनात किया, इरशाद फरमाया, जो तीर अंदाज थे उनको खड़ा किया, इरशाद फरमाया तब तक नीचे मत उतरना जब तक मैं ना कहूँ, चाहे आपकी बोटियाँ चील कौए ही क्यों ना नोच लें। लेकिन 40 सहाबा इकराम माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए इस जगह इस मुकाम पर उतर आते हैं। तो जब हम जंग जीत चुके थे, मुशरिकीन मक्का पीछे की जानब मुड़ रहे थे, 40 सहाबा इकराम माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए इस जगह इस मुकाम पर उतर आते। माजअल्लाह कोई कई हजार इकराम समझते हैं कि उनसे गलती हुई, उनसे कोई गलती नहीं हुई थी। सहाबा इकराम जब माले गनीमत इकट्ठा करते, जो माले गनीमत इकट्ठा करते वो आपस में तकसीम कर लिया करते बराबर में, और जब माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे सहाबा इकराम वो कम थे, माले गनीमत ज्यादा था। 40 सहाबा इकराम माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए नीचे उतरे उनकी मदद के लिए। 10 सहाबा इकराम ने इरशाद फरमाया कि हम नीचे नहीं उतरेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नीचे उतरने से मना फरमाया, हम पहाड़ी के ऊपर तैनात रहेंगे। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद मक्का की जानब से जब देखते हैं कि ये दर्रा खाली हो चुका है, 40 सहाबा इकराम नीचे उतर आए, तो मुशरिकीन मक्का हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला इस वक्त से हमला कर दें। इस तरफ अहले दियार अस्सलाम वालेकुम, अहले कबूर जजकराम, आप अपने दिल के अंदर जो भी दुआ लेके आए इंडिया से, मेरा ये ईमान है, मेरा ये अकीदा है, इस जगह इस मुकाम पर खड़े होकर इंशाअल्लाह फरमा दें। अरे अभी आप खाओ, अभी भाई को बैठने नहीं दे रहा इधर, जाओ अभी आपको नहीं इधर, हम लोग बहुत बैठे हैं। लपेक पड़ो लपेक, जो जोर से अलीसा भी आ गई है, मम्मी आइसक्रीम खिला जल्दी, फिर भी बोलना पड़ेगा। क्या पढ़ रहे हो? अलीसा को पढ़ाओ जोर से, जोर से। माशाल्लाह सारी ज़ियारतों से आए, और उसके बाद में मेरी तबीयत अचानक से एकदम ख़राब हो गई, बुखार चढ़ गई, सांस लेने नहीं हो रहा था मुझे, कोल्ड अचानक से इतना ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपने भी देखा कि वहाँ पे इतनी गर्मी थी और उसके बीच में हम लोगों ने वहाँ पे ठंडा लेकर पी लिए, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि बस ऐसा ठंडा देख के दिल ललचाया कि थोड़ा ठंडा पी ले, उसकी वजह से शायद कोल्ड इन्फेक्शन इतनी फास्ट हो गया कि मुझे आने के साथ यहाँ पे फीवर चढ़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह बस दवाई भी नहीं खाई मैंने, थोड़ा बहुत खाना खाके जाके रेस्ट की, और अभी उठी तो काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है मुझे, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के जहान में बैठे, अल्लाह के घर में बैठे कुछ नहीं होगा, और हो भी गया तो उससे नसीबदार कोई नहीं, कि अगर जिसको यहाँ का दर मिले, जब जन्नतुल बग्गी मिले, उससे बड़ा नसीब किसी का भी नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ताला बस सारी ज़ियारतें आपको दिखाई हूँ, कोशिश मैंने कहा था कि एक छोटी कोशिश करते रहती हूँ, और बहुत सारे इंडिया में देखा कि बहुत सारे लोग गरीब नवाज गए हैं, तो मेरा ब्लॉग आएगा तो इंशाल्लाह मैं भी दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे हक में भी सब दुआ कीजिए, क्योंकि मैं भी हर महीना जाती हूँ, और इस महीने तो मेरे अल्लाह के घर हमारे हुजूर के दर पे बैठी हूँ, तो मैंने सारे लोगों के हक में हमेशा हर पल दुआ करती हूँ, तो दिली ख्वाहिश है कि हर कोई भी हमारे हक में भी गरीब नवाज सरकार के मेरे वहाँ दुआ करे, क्योंकि उन्हीं का दर है जो मैं वहाँ से कदम रखी थी और उनके दर से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, और ज़िंदगी में आपको ये दर दिखाएं, और ज़िंदगी में सारी चीज़ों की जो भी परेशानियाँ अल्लाह आपकी दूर करे, और बस यही बोल सकती हूँ कि इस दर पे मेरे ज़बान पे और कुछ नहीं आता है, तो बस इसीलिए बार बार आप लोगों से यही बातें करती हूँ, और बस ये कोशिश करती हूँ कि यहाँ जो मेरी आँखें देखे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं वो चीज़ आप लोगों को तो दिखाऊँ, चैनल्स के ज़रिए, व्यूज़ के ज़रिए नहीं, एक दिली ख्वाहिश और एक आप लोगों की मोहब्बत
इसीलिए मैं ये चीज़ें करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जब तक मुझे हिम्मत देगा, जब तक अगर मेरी कोशिश जारी रही और कामयाब रही तो इंशाल्लाह हमेशा ये चीज़ों में मैं शामिल रहूँगी। तो चलिए फिर इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि अभी तबीयत थोड़ी सी मेरी नाजायज़ है। तो मेरे हक में भी हो सके तो दुआ कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।